गाइस यार आज मेरा और सिंचन का एकदम बढ़िया वाला प्लान बना है। आज यार हम दोनों मिलकर जाने वाले सिंचन के मम्मी पापा से मिलने के लिए। बड़े दिन हो गए यार हम लोग यार उनसे मिले ही नहीं, तो यार हम लोगों ने सोचा चलो भाई चलते हैं उनसे मिलने के लिए। बट एक सेकंड भाई, बारिश क्यों हो रही है आज यार? एक सेकंड भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। आज इतना बढ़िया प्लान बना था, हम लोग जाने वाले थे यार सिंचन के गाँव में जहाँ पर उसके मम्मी पापा खेती करते। यार मैं आप सभी को भी दिखाना चाहता था यार उनकी लाइफ कैसी चलती है आजकल। और ये देखो यार, बारिश ने हमारे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। अरे यार पैंकी भी अब क्या करे यार, कैसे जाएंगे मेरे मम्मी पापा से मिलने के लिए? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ भाई, कैसे जा सकते यार, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है और ऊपर से यार जाने में कितना खराब रास्ता है भाई। मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग का जाना हो पाएगा वहाँ पर। अबे भाई कल वे चला जाए यार, सिंचन मिस कर रहा है उसके मम्मी पापा को। अबे यार मिस तो मैं भी कर रहा हूँ भाई साहब, उनसे बहुत दिन हो गए मिला नहीं हूँ मैं। यार क्या करे यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार चलो ना फैंकी भैया, तो चलते यार फटाफट से मेरे मम्मी पापा से मिलने के लिए। अरे नहीं भाई सिंचन यार, इतनी बारिश में कौन जाएगा यार। चल एक काम करते, अगले महीने चलते। अभी यार आज के तो छुट्टी मिली थी, अब यार मुझे काम से छुट्टी सीधा अगले महीने मिलने वाली है। यार फैंकी भैया क्यों यार छोटे से बच्चे को रुला रहे हो यार, प्लीज यार मिलवा दो ना मुझे अपने मम्मी पापा से। अबे यार भाई सिंचन तू भी मानने के लिए रेडी नहीं है यार। गाइस क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा यार। चलो भाई चलते यार, चल भाई सिंचन जाते तेरे मम्मी पापा से मिलने के लिए। पर भाई अगर सिंचन रास्ते में बारिश बढ़ गई तो भाई मैं बोल रहा हूँ भाई हम लोग रिटर्न आ जाएंगे फिर। हाँ यार ठीक है, पर अभी तो चलो यार फटाफट से। हाँ भाई चल भाई, चौप तो आ रहा है। अबे नहीं भाई कल में बारिश से मुझे डर लगता है, मैं नहीं आ रहा। ठीक है भाई, खुद तो बोलते हम लोग को जाओ जाओ और ये खुद नहीं आ रहा यार, कैसा डॉगे पार रखा यार मैंने। खैर भाई कोई बात नहीं यार, चल भाई सिंचन फटाफट से बैठ जा नहीं तो भीग जाएगा। अरे यार आ रहा हूँ यार, बैठ गया। चलो 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 गाइस चलते हैं अभी फटाफट से सिंचन के मम्मी पापा से मिलने के लिए। वैसे यार मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी तक देखा नहीं है सिंचन के मम्मी पापा को, तो यार चलते भाई फटाफट से उनके पास। एंड वैसे भाई सिंचन तू बता तो दे इन लोगों को तेरे मम्मी पापा करते क्या है। यार मेरे मम्मी पापा तो खेती करते हैं गाँव में, और यार वो तो बहुत ज्यादा गरीब है यार। अरे यार भाई कोई बात नहीं यार, सिंचन एक ना एक दिन भाई तू बड़ा इंसान बन जाएगा और उसके बाद में यार तो अपने मम्मी पापा को एकदम बढ़िया तरीके से रख लेगा। अरे यार उसी के लिए तो मैं आया हूँ यार लॉस सेंटोस के अंदर आपके पास पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करके पुलिस ऑफिसर बनूंगा या फिर डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनूंगा। अरे वाह भाई सिंचन तेरे सपने तो बहुत ज्यादा बड़े हैं यार। अरे हाँ यार वो तो बहुत ज्यादा बड़े, पर यार तू फटाफट से चलो ना यार, मेरे से रुका नहीं यार अपने मम्मी पापा को देखे भी ना। अरे हाँ भाई चलते चलते, तो चलो गाइस चलते फटाफट से सिंचन के मम्मी पापा को मिलने के लिए। और गाइस आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ गाइस फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड यार साथ ही साथ बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलते अभी फटाफट से सिंचन के मम्मी पापा के पास, लेट्स गो। ये देखो गाइस हम लोग पहुंच गए सिंचन के मम्मी पापा के फार्म पे। ये देखो ये है उनका एक छोटा सा फार्म। अरे हाँ यार गाइस ये हमारा एकदम छोटा सा फार्म है, और यार यहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहकर खेती करते हैं और बहुत सारे एप्पल्स और बहुत सारे ऑरेंजेस उगाते हैं। अरे हाँ भाई सिंचन पता है वो मुझे। अरे यार मैं आपको थोड़ी ना बता रहा था यार। अच्छा ठीक है भाई, आजा भाई। किधर है तेरे मम्मी पापा? बारिश हो रही है ऊपर से भाई, यहाँ पर शेड के अंदर भी नहीं है, कहाँ पर है भाई ये लोग? अरे यार मुझे तो लगता है ये लोग खेती कर रहे होंगे अभी तक भाई इतने बारिश में। यार हमारे पास पैसों की कमी तो यार क्या करे। अरे यार गाइस आप देख रहे हो सिंचन के मम्मी पापा कितने ज्यादा मेहनती है यार। उन दोनों के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो साथ ही साथ उसके मम्मी पापा के लिए। अब यार देखते कहाँ पर। ये देख भाई सिंचन, ये रहे तेरे मम्मी पापा। यार क्या मिल गए तुम्हें? अरे हाँ भाई मिल गए। ये देख सिंचन, ये रहे तेरे मम्मी पापा। और देखो गाइस यार कितनी बारिश में मेहनत करके पैसे कमाते यार ये लोग। यार इनके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही ना यार। जा भाई सिंचन बात कर अपने मम्मी पापा से। अरे यार मुझे शर्म आ रही है यार। क्या भाई सिंचन अपने मम्मी पापा से शर्माता है? हेलो अंकल कैसे हो आप? अरे फ्रैंकलिन बच्चे का भाई तुम, और सिंचन को भी लेके आ गए। अरे भाई यार तुमने तो आज हमें सरप्राइज दे दिया। अरे हाँ अंकल हम लोग आपको एकदम सरप्राइज ले मिलने आने वाले थे, पर पता नहीं यार इस बारिश ने पूरा सरप्राइज खराब कर दिया यार। अरे यार फ्रैंकलिन इससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा हमारे लिए। अरे यार पापा मुझसे भी बात कर लो यार। अरे हाँ सिंचन मैं तो तुझसे ही बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे कैसा है तू, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? यार पापा मेरी पढ़ाई तो एकदम बढ़िया चल रही है यार। आप बताओ यार आप इतने बारिश में खेती क्यों कर रहे हो? जाओ ना यार घर के अंदर बैठो। अरे नहीं यार बच्चे हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो चुका है। क्या अंकल आपके ऊपर कर्जा हो चुका है? किस चीज का यार? अरे यार हमने इस जमीन को खरीदा था, और यार जिससे हम लोगों ने पैसे लिए थे वो यार बहुत बड़ा डॉन है, और यार वो रोज आकर हमें धमकाता है। क्या धमकाता आपको रोज आकर? अरे हाँ यार क्या करे कुछ समझ नहीं आता। अरे हाँ यार हमारी कोई तो मदद करो, हम लोगों ने पूरा 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था, अब हम लोग क्या करें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा फ्रैंकलिन। अब तुम्हें कोई
सॉल्यूशन दे दो हमें। अरे यार आंटी आप फिकर मत करो यार, मैं हूँ ना आपके साथ। भाई साहब 10 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो आप एक काम करो ना यार, बैंक में से 10 करोड़ का लोन ले लो और उस डॉन को दे देना, और धीरे धीरे करके यार बैंक वाला का लोन चुका देना। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन, ऐसे नहीं होता यार, वो बैंक वाले तो यार हमारा घर ही हड़प लेंगे फिर। अरे यार आपकी हालत तो बहुत ज्यादा बुरी चल रही है यार। गाइस आप देख रहे हो सिंचन के मम्मी पापा को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है यार, क्या करूं यार, मेरे पास तो इतने पैसे है भी नहीं कि मैं उनकी मदद कर सकूं, नहीं तो यार मैं अभी क्या भी उनको 10 करोड़ दे देता। अरे यार फ्रैंकी भैया देख रहे हो यार मेरे मम्मी पापा की हालत कितनी खराब हो चुकी है यार, मुझे भी बहुत ज्यादा रोना आ रहा है यार, क्या करूं मैं यार, 5 साल की उम्र में इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे मुझे। अरे यार भाई सिंचन तू फिक्र मत कर, कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकल आएगा यार। कहां से निकल आएगा यार, देख रहे हो मेरे मम्मी पापा बारिश में भीग रहे यार, अगर वो बीमार पड़ गए तो। अरे हाँ यार, अरे यार अंकल आंटी आप एक काम करो यार, जाके आप आपके घर में आराम करो, मैं और सिंचन मिलकर ये काम कर देते। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन बच्चे, ये अच्छा नहीं लगता यार, तुम एक काम करो तुम घर में जाकर बैठो, हम थोड़ी देर में आकर कुछ चाय वाय बना देंगे। अरे चलो यार आज जाके वसूली करूंगा फिर से, जिन जिन लोगों ने मुझसे लोन लिया साले पैसे देते नहीं, आज तो इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे मोंटू बोलो, किसने अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए? अरे बॉस वो है ना मिस्टर नोहरा, उसने हमारे पैसे नहीं दिए अभी तक। अच्छा उसने कितने पैसे लिए थे हमसे वैसे? बॉस उसने लिए थे कुछ करीब 10 करोड़ रुपए। क्या 10 करोड़ रुपए लिए थे? अभी तक नहीं दिए उसने? नहीं बॉस उसने अभी तक नहीं दिया हमें। अच्छा तो चलो आज जाकर उससे पैसे लेकर आएंगे, आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं, सीधा जान से मार दूंगा, ये 10 करोड़ के इसको कम लगते, आज तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। अरे हाँ बॉस चलो चलो, आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं, साले की जान लेकर रहेंगे आज तो हम लोग। अरे हाँ बॉस चलो चलो फटाफट से निकलते। अरे हाँ तो तुम बैठो ना फटाफट से, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, आज तो मैं इस नोहारो को छोड़ने नहीं वाला यार, 10 करोड़ कम होते। अरे पर वैसे उसने किस चीज के लिए लिए थे पैसे हमसे? अरे बॉस उसने कोई बड़ी सी जमीन खरीदी है। अच्छा उसने जमीन खरीदी है, अब तो इसको मैं नहीं छोड़ने वाला यार, आज तो इसके जमीन के ऊपर कब्जा करके रहेंगे। अरे हाँ बॉस चलो, आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा, चलो चलो बॉस ये देखो यहाँ से राइट लेना है। अच्छा यहाँ से राइट लेना है, अरे वाइस मिस्टर नोहरा ने कितनी बड़ी जमीन खरीदी है, साला बूढ़ा आज तो इसको नहीं छोड़ेंगे हम लोग, आज तो इसको पकड़ के रहेंगे। वो देखो लगता है वहाँ पर खेती कर रहे अभी तक इतने बारिश के मौसम में, आज इसको मैं नहीं छोड़ने वाला। हेलो मिस्टर नोहरा कैसे हो तुम? अरे कौन है यार? अरे पहचान नहीं मुझे, मैं हूँ मिस्टर दाऊद इब्राहिम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अरे दाऊद भाई तुम आ गए, अरे यार मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई यार, तुमने तो हमारी बड़ी मदद की है। अरे कैसी मदद की यार भाई? अरे यार तुमने हमसे जो 10 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है वो कब चुकाओगे? अरे यार वो, अरे यार मैं तो दे दूंगा ना यार, प्लीज मुझे अभी के लिए छोड़ दो, मैं अगले महीने में दे दूंगा आपको। अरे नहीं यार मुझे अभी के अभी 10 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन के ऊपर कब्जा करके रहूंगा। अरे नहीं यार प्लीज यार दाऊद भाई प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज यार मैं माफी मांगता हूँ आपके पैर पड़ता हूँ यार। नहीं नहीं अगर मुझे अभी के अभी मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं यार तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूंगा। अरे यार प्लीज अंकल छोड़ दो यार मेरे पापा को यार, वो बहुत ज्यादा गरीब है यार, ऊपर से देखो यार आपके पैसे चुकाने के लिए इतने बारिश में काम कर रहे। अरे ओए बच्चे बड़ों के बीच में बोला नहीं जाता, तुझे समझता नहीं है क्या? अरे यार अंकल प्लीज छोड़ दो ना यार मेरे पापा को यार। अरे बच्चे शांत बैठ, नहीं तो दिमाग में सीधा गोली मार दूंगा। अबे ओ भाई आराम से भाई, उसके ऊपर गन क्या पॉइंट कर रहा है तू? अबे ओए अब तू कौन है यार? ओ भाई मैं इसका बड़ा भाई हूँ और इनका बड़ा लड़का हूँ, बता भाई क्या दिक्कत है तुझे? अरे यार इन्होंने मुझसे 10 करोड़ रुपए लिए थे, कब लौटाएंगे ये लोग यार? 1 साल हो गया अभी तक इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया मुझे। भाई इतना टाइम हो गया? वही तो बोल रहा हूँ मैं, मुझे आज के आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं इनको जान से मार दूंगा। अरे यार भाई थोड़ा आराम से ले ले यार भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है तू? अबे ओए तू भी कुछ ज्यादा बात मत कर, नहीं तो तेरे सीधा खोपड़ी में गोलियां डाल दूंगा। अरे भाई यार आराम से बात कर ले यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? नहीं नहीं मुझे अभी के अभी 10 करोड़ रुपए दो, नहीं तो ये जमीन खाली करो, नहीं तो इस बूढ़ों को अभी के अभी मार दूंगा मैं। अरे हाँ बॉस मार दो अभी के अभी, मैं तो बोलता हूँ मुझे तो लगता है कि ये 10 करोड़ रुपए नहीं देगा मैं। वही यार मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या ये लोग यार भाई 10 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आएंगे, और ये सिंचन के मम्मी पापा को किसने कहा था यार इतना बड़ा लोन लेने के लिए, ऊपर से भाई इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया यार, 1 साल हो गए यार, फिर तो ये गुंडे आते ही रहेंगे यार, मुझे कुछ करना होगा। पर यार मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ क्या भाई, 10 रुपए नहीं है, कहाँ से लाऊंगा पैसे यार, क्या करूँ यार, कोई तो आइडिया आना चाहिए भाई, कहाँ से लेके आऊँ यार, कुछ तो आइडिया आ जाए भाई, क्या करूँ यार। गाइस आप एक काम करो यार, मुझे कमेंट के अंदर एकदम बढ़िया से बढ़िया आइडिया दे दो, जिससे कि भाई मैं सिंचन के मम्मी पापा का जो कर्जा है भाई वो चुका सकूँ। अभी तो यार क्या कर सकता हूँ, एक सेकंड भाई सिंचन के मम्मी से बात करके देखता हूँ। हेलो सिंचन की मम्मी आप एक काम करो यार, थोड़ा साइड में आ जाओ ना, मुझे आपसे बात करनी है। अरे यार बोलो बोलो फ्रैंकलिन क्या हो गया? अरे यार इधर आ जाओ, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। क्या हो गया यार आंटी? ऐसा कोई है नहीं कि जो हमें और पैसे दे सकता है इनका कर्जा चुकाने के लिए। अरे यार कोई नहीं दे रहा हमें,
क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा यार। फ्रैंकलिन अभी तुम्हें बताओ, हम इतना सारा कर्जा कहाँ से चुकाएंगे। अरे यार आप क्या करो आंटी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कोई आइडिया नहीं आ रहा मुझे भी। अरे अरे काम करो, यहाँ से सीधा अगर तुम चाहते हो यहाँ पर एक पापा बैठते, वो देखो अगर तुम्हारी मदद कर देते तो। क्यों आंटी, वो आपकी मदद नहीं करते। नहीं नहीं यार, हम लोग गरीब है तो हमारी कोई बात नहीं सुनता। एक काम करो ना, जाके हमारी मदद कर दो, उनसे जाकर कुछ बात करके मदद मांगो, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। अच्छा ठीक है आंटी, अभी जाता हूँ। और हाँ ध्यान रखना, उनको तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, उसके बदले वो तुम्हारी मदद करेंगे। यार क्या देना पड़ेगा उनको। अरे यार दे दो कुछ भी। अच्छा ठीक है आंटी, आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर उनसे मदद मांगता हूँ। अरे हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल जल्दी आना। हाँ हाँ आंटी जल्दी आऊंगा। यार पता नहीं ये सब क्या हो रहा है यार, सिंचन की पापा की जान यार खतरे में, यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। यार फटाफट से इस गाड़ी को लेके चलता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से सीधा नीचे जाना है, पता नहीं यार कहाँ मिलेंगे। और यार उनको कौन सी चीज देनी यार, वो भी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या। चलो गाइस इस गाय को ले जाओ। हाँ भाई चलो यार, उनको ये गाय दे दूंगा, उसके बदले यार पता नहीं वो कैसे मदद कर सकते हैं मेरी। फटाफट से यार इस गाय को उठाता और अपनी गाड़ी के ऊपर बिठाता। लेट्स गो बॉयज। यार मैंने इस गाय को अपने गाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया। भाई साहब देख रहे हो क्या यूनिक चीज लग रही है, फिलहाल तो ये एकदम टेंशन का माहौल है। और भाई साहब मैं इसमें मजाक कर रहा हूँ। वैसे जाना कहाँ से यार नीचे, लगता है यही रास्ता। हाँ यार यही रास्ता लगता है। ये रास्ता देखो यार कितना ज्यादा खराब है। भाई साहब कहाँ भेज दिया सिंचन की मम्मी ने मुझे। खैर भाई कोई बात नहीं यार, उन्होंने कहा है तो भाई करना पड़ेगा। काश भाई वहां से हमारी कोई मदद कर दे। वैसे गाइस यार तुम भी हमारी मदद कर सकते हो, जाके इस वीडियो को फटाफट से लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि यार भाई साहब हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले और क्या पता भाई उससे हमें थोड़ी बहुत पैसे भी मिल जाए। खैर भाई जाकर देखते भाई कौन से बाबा मिलने वाले मुझे। लेट्स गो भाई, देखते कहां मिलने वाले। भाई यहां पर तो कोई दिख नहीं रहा यार मुझे। एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है। ओ भाई ये क्या है। अरे यार भाई साहब ये देख रहे हो, भाई साहब बीच में एक गोरिल्ला बैठा है और उसके साइड में यार कितने सारे टाइगर से। यार ये क्या हो रहा है, कहीं यही तो वो बाबा नहीं। पर यार भाई ये गोरिल्ला ये कैसे बाबा हो सकता है। भाई यहाँ से दूर भागना होगा भाई सबसे पहले। भाई ये इतने सारे टाइगर कहां से आ गए यार, रुको यही से देखता हूं। भाई साहब ये सब क्या हो रहा है यार, मुझे तो लगता है गाइस ये चारों टाइगर मिलकर यार इस गोरिल्ला को खाने वाले हैं। भाई यार मुझे कुछ ना कुछ करना होगा भाई, मुझे इस गोरिल्ला की जान बचानी होगी यार। भाई उसने सीधा सरेंडर कर दिया उन टाइगर्स के सामने। चलो गाइस मैं जाता हूं अभी उन टाइगर्स को भगाता हूं। भाई साहब मुझे उस गोरिल्ला को बचाना होगा। ओए चल हट साले, भाई साहब निकलो यहाँ से। भाई साहब तुम लोग ऐसे कैसे भाई उसको बंदर को मार रहे हो। भाई साहब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, हटो भाई निकलो यहाँ से, भागो हटो। भाई साहब चलो यार भाग तो गए ये सारे लोग। भाई साहब पर मैंने एक टाइगर को मार दिया यार। भाई साहब मुझे ये मारना नहीं था यार, इनको भगाना था, बाकी के तीन तो भाग गए। वैसे भाई तू उड़ जा यार, तू बैठा क्यों अभी तक। हेलो भाई उड़ जा यार, ये लोग बातें नहीं कर सकते, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ यार। वैसे भाई तुम्हारा नाम क्या, बोल सकते हो तुम। हेलो भाई इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है यार गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार किस चीज का शोर हो रहा है यहाँ पे। हेलो कौन मेरे बंदर को परेशान कर रहा है। ओहो तुम कौन हो यार, मेरे गोरिल्ला को परेशान क्यों कर रहे हो तुम। अरे भाई तुम कौन हो। अरे मैं यहाँ पे मेडिटेशन करता हूँ, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे यार मैंने तो इस गोरिल्ला की जान बचाई। अरे यार तुम्हारे हाथ में देखो हथियार है, तुमने कैसे जान बचाई मेरे गोरिल्ला की। और ये मेरा पालतू गोरिल्ला है समझे, इसकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है तुमने इसके ऊपर वार किया है। अरे नहीं भाई पीछे देखो एक टाइगर पड़ा है। क्या टाइगर, ये टाइगर को किसने मारा, तुमने मारा लगता है। हाँ भाई मैंने मारा उसको। क्यों मारा तुमने जानवरों को। अरे यार वो, अरे बोलो फटाक से। अरे यार वो यहाँ पे चार टाइगर थे और यार वो इस गोरिल्ला को परेशान कर रहे थे। क्या मैं कैसे मान लू। अरे यार सच बोल रहा हूँ मैं तो तुमसे मदद मांगने के लिए आया था। कौन सी मदद, कैसी मदद। अरे यार मुझे वो नोहरा फैमिली ने भेजा है और यार मुझे आपसे मदद मांगनी थी यार कुछ पैसों के लिए। क्यों क्यों चाहिए तुम्हें पैसे। अरे यार वो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है यार। ऐसे कैसे उनकी हालत खराब हो गई। अरे यार उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्जा है और यार पता नहीं उन्होंने जिससे कर्जा लिया था वो यार भाई साहब उनको आकर परेशान कर रहा है और उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया उसने तो आज, और यार मारने की धमकी दे रहा है। अरे यार वो तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, पर यार कर दो ना मेरी मदद। अरे यार तुमने मेरी गोरिल्ला को परेशान किया, मैं क्यों मदद करूं। अरे यार सच बोल रहा हूँ यार, मैंने इसकी जान बचाई है अभी। यार गाइस आप इनको कमेंट में बताओ यार, भाई साहब मैंने जान बचाई है इस गोरिल्ला की, यार ये मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं करते। अरे यार ठीक है तुम इतना बोल रहे तो भरोसा कर ही लेता हूँ। अच्छा बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। यार इतने पैसे की यार उनका कर्जा चुका पाऊ। कितना कर्जा है बताओ तो सही यार, करीब 10 करोड़ के ऊपर है। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है। रुको यार मैं तुम्हें कुछ स्पेशल पावर्स देता हूँ जिससे कि तुम अपनी जिंदगी भी बदल सकते हो और यार उनकी भी जिंदगी बदल दोगे। क्या कैसी पावर्स, रुको तो सही देखो मैं क्या करता हूँ। ओम ब्रीम श्रीम, इस बच्चे की प्रॉब्लम हो जाए स्क्रीम। यार अंकल ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे बच्चे थोड़ा सबर कर लो, फिर देखो ये जादू का कमाल, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी अभी। अरे यार पर ऐसे कैसे जिंदगी बदल
निकल जाएगी यार, ये कौन सा धुआं आ रहा है मेरे अंदर से। अरे यार बच्चे थोड़ा सबर कर लो, ये मेरे जादू का कमाल है, अब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हा 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 मजे करो फिर। अरे पर ये धुआं कब तक रुकेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, भाई प्लीज रोको ना इस धुएं को। अरे बच्चे थोड़ा सबर करो यार, अमीर बनना है ना तुम्हें। अरे हाँ हाँ अमीर तो बनना है मुझे, तो रुको दो मिनट। अरे यार एक सेकंड भाई, ये धुआं तो रुक गया ना। अरे हाँ बच्चे धुआं रुक गया, अभी जाओ तुम जो भी चीज मांगोगे वो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अरे यार अंकल मैं आपको ये गाय देने के लिए लाया था। क्यों? अरे यार उन्होंने ही कहा था मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा। अरे यार ऐसी बात है, ठीक है मैं रख लेता हूँ इस गाय को, तुम भी ध्यान में रखना कि ये पावर्स बस तुम्हारे पास दो दिन के लिए, जाओ जो चाहिए वो मांग लो। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच यार, आपने भाई मेरी मदद कर दी। चलो यार अभी फटाफट से चलते हैं भाई साहब घर पे, जाके भाई सिंचन के मम्मी पापा की मदद करता हूँ। बट यार उससे पहले भाई पावर तो टेस्ट कर लेते, ये क्या मांगू यार, यहाँ पे एक बढ़िया वाली सुपर कार आ जाए। एक सेकंड भाई ये तो सच्ची में आ गई, और ये क्या भाई ये तो गोल्ड की है यार। यार गाइस मुझे अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा, भाई साहब तुम देख रहे हो पूरी की पूरी गोल्ड की, वो भी लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो आ गई। भाई साहब इसकी कीमत तो भाई 100 करोड़ रुपए यार। भाई साहब इन बाबा ने तो भाई मेरी क्या ही मदद कर दी। अब तो यार इससे मैं सिंचन के मम्मी पापा को और मैं अपने आप को भाई साहब बहुत ज्यादा अमीर बनाऊंगा। चलो भाई चलते फटाफट से सिंचन के मम्मी पापा के पास, लेट्स गो। उनको तो पता भी नहीं होगा कि भाई साहब मैं क्या करके आया हूं। लेट्स गो भाई, यहां पे और एक गाय आ गई। खैर भाई मुझे लगता है इनके पास 2-3 गाय होगी, तो भाई चलते सिंचन के मम्मी पापा। मैं आ गया, देखो यार ये लैम्बोर्गिनी टार्ज़ो लेके आ गया मैं तो। आ जाओ भाई, किधर है ये लोग, ये रहे भाई साहब। अरे भाई सिंचन तुझे पता है मेरे पास बढ़िया वाली पावर्स है। अरे यार कौन सी पावर्स है यार, यहाँ पर देखो ये लोग मेरे पापा को मार रहे यार। अरे यार मारो मत अंकल, सुनो यार मैं आपको आपके सारे के सारे पैसे दे दूंगा अभी के अभी। अरे यार ऐसे कैसे दे दोगे तुम, जगह पे कहाँ पर है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे पैसे। दे दूंगा ना यार, आप फिक्र क्यों करते हो। आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, बताओ फटाफट से। अरे यार तुम जो भी दो मुझे चलेगा, बस दे दो। अच्छा ठीक है आपको मैं देता हूँ, रुको यार क्या दू, यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड और बहुत सारे डायमंड आ जाए फटाफट से। ओ भाई साहब गाइस ये देख रहे हो कितने सारे डायमंड कितने सारे गोल्ड आ गए यार यहाँ पर तो। यार ये पावर्स भाई एकदम बढ़िया यार, पर भाई 2 दिन के लिए भाई मुझे इनको फटाफट से इस्तेमाल करना होगा। अरे यार तुम्हारा नाम जो भी है भाई दाऊद, भाई साहब लो यार ये सारे के सारे गोल्ड और डायमंड और निकलो यहाँ से। भाई ये सिंचन के मम्मी पापा का दिमाग मत खराब करो तुम लोग। अरे यार थैंक यू यार, तुमने तो भाई मेरी जिंदगी बदल दी। अरे हाँ भाई चल निकलना अभी। अरे यार तुम अच्छे से तो बात करो। अरे वही तुझे इतना सारा गोल्ड और डायमंड चाहिए ना। अरे हाँ चाहिए। तो भाई निकलना लेके फटाफट से। अरे हाँ निकल रहा हूँ। चलो बॉयज फटाफट से उठाओ ये सारा का सारा गोल्ड और डायमंड, निकलना हमें। तो यार गाइस वो सारे के सारे गुंडे ये गोल्ड और डायमंड लेके चले गए। अभी तो यार भाई साहब हमारी जिंदगी बदलनी बाकी है। अभी तो यार भाई साहब इन पावर्स का इस्तेमाल करके एकदम बढ़िया बढ़िया चीज करना चाहता हूँ मैं। अरे बच्चे फ्रैंकलिन तुमने ये कैसे किया यार? अरे यार आपको नहीं पता मेरे पास बढ़िया वाली पावर्स, इधर आओ मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भी आपके पास पावर्स कहाँ से आई यार? अरे यार वो सब छोड़ना सिंचन, आओ यार भाई फटाफट से यहाँ पे। यार अभी क्या मांगू यहाँ पे, चलो यार ये पूरा शेड यहाँ पे गोल्ड से भर देता हूँ, यहाँ पे इस शेड के अंदर बहुत सारे गोल्ड आ जाए। ओहो गाइस यार ये देखो कितना सारा गोल्ड आ गया यार। चलो भाई थैंक गॉड भाई बारिश भी रुक गई। यार अंकल ये देख रहे हो कितना सारा गोल्ड है यहाँ पे, आप यार अभी इतना सारा गोल्ड लेकर भाई एकदम आराम से अपनी जिंदगी जी लेना। अरे यार फ्रैंकलिन तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो यार। अरे हाँ अंकल यार आप फिक्र मत करो, अब यार भाई नो खेती और नो मेहनत, भाई साहब बस आराम करना आप तुम दोनों मिलकर। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन थैंक यू सो मच। अभी तो यार अंकल हम दोनों भी चलते सिंचन और मैं। अरे हाँ बच्चे तुम दोनों ध्यान रखना। चलो भाई सिंचन फटाफट से निकलते यहाँ से। यार गाइस आज तो बहुत ज्यादा मजा आ गया यार सिंचन के मम्मी पापा की मदद करके। अभी तो यार भाई फटाफट से चलते यार, लेते अपनी ये लैम्बोर्गिनी टार्ज़ो और निकलते अपने घर पे। एंड यार घर पे जाके भाई साहब मैं बहुत सारी सुपर कार्स मंगवाने वाला हूँ, तो गाइस यार उसके लिए आपको इस वीडियो का एंड तक देखना होगा। चलना भाई बैठ भाई सिंचन फटाफट से। अरे हाँ यार चलो 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 गाइस अभी चलते फटाफट से अपने घर पे, एंड भाई साहब घर जाके और भी ज्यादा मजा आने वाला है, तो चलते भाई फटाफट से घर पे। लेट्स गो गाइस। सिंचन और मैं पहुंच चुके अपने घर पे। अभी देखो भाई साहब मैं क्या करता हूँ। आजा भाई सिंचन फटाफट से टेरिस के ऊपर। अरे हाँ यार रुको अभी आ रहा हूँ। अरे आजा भाई यार फटाफट से, अभी देखो मैं क्या करता हूँ गाइस। यहाँ पे मेरे टेरिस के ऊपर बहुत सारी महंगी महंगी सुपर कार्स आ जाए। ये देखो गाइस यार कितने सारी सुपर कार्स आ गई। अब तो यार भाई ये पावर्स भी चली गई ना यार। भाई साहब इन सारी गाड़ियों का शोरूम खोलूंगा, फिर तो भाई मजे ही मजे आ जाएंगे यार। और भाई अभी तो एक काम करता हूँ, फटाफट से बहुत सारे गोल्ड और डायमंड बनाता हूँ। एंड गाइस यार आपको देखना है कि भाई मैंने कितने सारे गोल्ड और डायमंड बनाए अपने लिए, तो गाइस यार आपको देखनी पड़ेगी हमारी अगली वीडियो। तो गाइस यार चलो मिलते हैं अभी सीधा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।